नहीं तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि बीएचयू के न्यू सेशन, बीएचयू पाठशाला के न्यू सेशन को आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस नंबर पर कॉल कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। तो आओ मेरे दोस्तों, बीएचयू पाठशाला को बढ़ाते हैं, परिवार बढ़ेगा तो खुशी आएगी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अखिल रॉय एंड वेलकम टू द बीएचयू पाठशाला। But before starting that, I just want to congratulate on behalf of my team and my also that congratulations everybody जिनके results अच्छे रहे हैं। और बीएचयू पाठशाला ने तो इस बार कमाल किया, 150 plus अपने आप में ही बड़ी बात है, 150 plus result देना। कई institution तो इस result को hide कर रहे हैं, बता नहीं रहे। बीएचयू पाठशाला के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि institution अपनी बातों को नहीं बता रहे, ये इसलिए क्योंकि हमने काफी कम समय में वी हैव गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट्स, 150 प्लस बहुत बड़ी बात है। यू नो एज वी नो दैट माय फ्रेंड दैट हमने बीएचयू एंट्रेंस 21 को नजर में रखते हुए हमने एक नई कोर्स लॉन्च की हुई है। 25 अक्टूबर से ही वो शुरू थी, ठीक है। आज के दिन हम इंग्लिश सेक्शन को शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, यानी मैं अखिल रॉय, मेरे साथ जुड़ेंगी पीयू मैम, ठीक है। वो भी आपको इंग्लिश सेक्शन को देखेंगी। हम वीकली हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही थी और आपसे मिलना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। इट्स वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस, ओके, ट्रस्ट मी, बाय गॉड मैं बता रहा हूं आपको, ओके। तो हम इंग्लिश सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। तो किसी भी सेक्शन को शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि उसके सिलेबस के बारे में जानना। तो आज हम सिलेबस को ही जानेंगे, यू नो। तो इंग्लिश सिलेबस बहुत बड़ा है और उतनी भी बड़ी नहीं कि एसएससी का सिलेबस दिखे, ओके। तो इंग्लिश सिलेबस को हम आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने इसे इंग्लिश सिलेबस को तीन भागों में बांटा। एक वोकैब जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरा है ग्रामर और तीसरा है कॉम्प्रहेंशन पार्ट, ठीक है। वोकैब में हमें पढ़ना है साइनो एंड टू, उसके बाद पढ़ना है idiom and phrases, one word substitutions और spelling error, okay? यही चार चीजें हमें vocab से कवर करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट और फिर एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये दोनों बहुत पिछले कई एग्जामिनेशन के पेपर्स मैंने एनालिसिस किए। तो एक्टिव पैसिव और नरेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं आएगा, यू नो। तो इसको भी हम हल्का फुल्का देखने की कोशिश करेंगे, इतना कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए मोर देन एनफ हो। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट BA LLB के जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके पेपर में कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट पैसेज और क्लोज टेस्ट के रूप में आता है। मैंने पैसेज देखी है, क्लोज टेस्ट भी चूंकि कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी चीज छोड़ दूं और वो एग्जामिनेशन में आ जाए फिर उसके बाद मुझे बुरा लगे, तो मैं क्लोज टेस्ट पे भी बात करूंगा, ओके। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको बताया कि वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन में हमें पढ़ना क्या है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हमें पढ़ाना कैसे, यू नो, एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट, एवरीबॉडी हैज सिलेबस, सबको सिलेबस के बारे में पता होता है, सबको किसी चीज के बारे में पता होता है, लेकिन उसको करने का अंतर होता है, यू नो, टेक्निक, हर जगह पे टेक्निक का अंतर पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम लोग इस टेक्निक पे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द टेक्निक, ओके। तो अगर हम वोकैब की बात करेंगे, लाइक द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ विल बी कंप्लीट, आई विल कवर द वोकैब सेक्शन, सो आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू बाय फ्रेंड, यू नो। मैंने पिछले साल जब 2020 के प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैंने वोकैब के कुछ क्वेश्चन कुछ प्लेलिस्ट में आपको अभी भी पड़ी होगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि वोकैब से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हमारे वोकैबलरी से, जबकि मैंने सिर्फ 10 सेशन किए हुए हैं और 10 सेशन में यही अप्रोक्स दे वुड बी मोर देन 300 वर्ड्स में से 10 क्वेश्चन, वो भी बीएचयू जैसे इतने प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में वोकैब आए हैं और उससे फंसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इट टॉक्स अबाउट दैट कि हम चीजों को किस तरह से बता रहे हैं और वो कितनी ज्यादा रेलिवेंट है। हम इरेलीवेंट चीजों पर बात नहीं करेंगे, हम रेलिवेंट चीजों को ही पढ़ाएंगे। तो वोकैब के लिए आई हैव अ प्लान। प्लान इज ये होगा कि हम लोग हर वीक में एक शो करेंगे, शो का नेम होगा द वोकैब शो, जिसमें हम विल टॉक अबाउट द वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स को कई तरीके से समझाया जा सकता है, वर्ड को रूट वर्ड से समझाया जा सकता है, वी कैन यूज निमोनिक, एक निमोनिक टेक्निक होती है, उससे भी हम वर्ड्स को समझाने की कोशिश करेंगे। लगभग इसके मैं
आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं वर्ल्ड को सिखाने की जिम्मेवारी मेरी, मैं चाहे किसी भी तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। साइनो एंड टू ईडियम एंड फ्रेजेस, हम लोग ईडियम और फ्रेजेस और वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए अलग क्लास रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा साइनो एंड टू और स्पेलिंग एरर हम लोग वोकैब से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है वोकैब के लिए स्ट्रेटेजी, विल डू दैट, ओके। और हर एक वीडियो, जो भी वोकैब की वीडियो आएगी उसमें ऑलमोस्ट विल कवर मोर देन 30 वर्ड्स, ठीक है। और वो कैब तो हम देंगे ही, उसके अलावा जैसे ही आपकी सेशन खत्म होगी उसके बाद आपके टेस्ट आएंगे उस वो कैब से, जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रामर, ग्रामर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मोर देन 15 और मैं बोलूं अगर 20 तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मोर देन 20 क्वेश्चंस आते हैं, 50 to 20 वेराई करता है अलग अलग जगहों पे। तो ग्रामर की अगर बात करें तो देयर इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, डिटरमिनेंट, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एक्टिव पैसिव और नरेशन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल डिटरमिनेंट, पर फिर भी हम इसको इग्नोर करने से कर सकते, वी कैन नॉट इग्नोर दिस, बट हम पहले क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को विल कंप्लीट, बहुत आहिस्ता बहुत प्यार सा समझाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोजेक्शन, ठीक है, इंट्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से कवर करेंगे एंड विल टॉक अबाउट, एंड आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाएगा विल कम एट आर्टिकल एंड डिटरमिनेंट ए इन द यूज ऑफ, हम इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव खत्म करेंगे, ओके। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन एज आई टोल्ड यू दैट कि पैसिव और क्लोज टेस्ट हम खत्म करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपके सिलेबस, ये सिलेबस जो है ये सिर्फ बीए आर्ट्स के लिए नहीं है, दिस इज दिस सिलेबस टॉक्स अबाउट द बीए आर्ट्स, फिर बीए बीएड का जो पेपर होता है लैंग्वेज का पेपर वो भी इसमें इंक्लूडेड है, बीए एलएलबी इंक्लूडेड है, बीए सोशल साइंस के पेपर, ये हमने चार पेपर को एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद जो सिलेबस, जो हमारा सिलेबस बन के उभरता है, वी हैव राइट ओवर देयर, ठीक है। तो दिस आर द वेरी शॉर्ट सिलेबस जो कि आपको पढ़ने, और यकीन मानो अगर आप इन चीजों को बीएचयू पाठशाला के अंडर में रह करके और इसके सानिध्य में रह करके, इफ यू टॉक, इफ यू रीड सिद्धत से, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धत से रह के अगर पढ़ोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपका लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छा रहने वाला है। लैंग्वेज पेपर कंसिस्ट 30 मार्क्स, which values 90 marks. To 90 marks is very good enough to score better in your total marks. ठीक है, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके ओवरऑल मार्क्स को अच्छा करने में आपका लैंग्वेज का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। तो मैं अगर इसके इतने सिलेबस को पढ़ने के बाद 27 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन अच्छा करके आते हैं तो जाहिर सी बात है इट इज वेरी गुड एनफ। ठीक है, तो इस चीज को हम बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज जाने से पहले कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देयर इज अ टू लैंग्वेज पेपर, ठीक है, फर्स्ट इज हिंदी एंड सेकंड वन इज इंग्लिश। सो एवरीबॉडी हैज कंफ्यूजन विच वन टू चूज, किसको चूज करना है। सो माय फ्रेंड, आई वुड आस्क कि तुम्हें क्या करना है, यू नो, अगर आपके दिल में, ऑल द स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके दिल में, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके दिल में एक बार भी आया कि आपको इंग्लिश के साथ जाना है, तो आप सच मायने में आप निराश नहीं होंगे, आप इंग्लिश को ले सकते हैं, और आई कैन गारंटी यू कि आपका स्कोर बेटर रहेगा, और ये जब लैंग्वेज का पेपर बेटर रहेगा तो आपका रिजल्ट भी बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसी जोश के साथ हम अगले सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में मुझे अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो भी सेशन से उसमें भी इतना प्यार देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आई मिस यू वेरी वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। दिस इज अखिल रॉय साइनिंग ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि बीएचयू पाठशाला के न्यू सेशन को आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। तो आओ मेरे दोस्तों, बीएचयू पाठशाला को बढ़ाते हैं, परिवार बढ़ेगा तो खुशी आएगी। थैंक यू वेरी मच।